गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज के वीडियो में अपन केमिकल काइनेटिक्स के अंदर लास्ट टॉपिक है अपना आरएनएस सिद्धांत और सक्रियण ऊर्जा की गणना। आरएनएस सिद्धांत क्या, आरएनएस थ्योरी, आरएनएस कंसेप्ट एंड कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। अब आरएनएस सिद्धांत क्या है समझना, वैज्ञानिक आरएनएस ने क्या किया, अभिक्रिया वेग पर ताप के प्रभाव की व्याख्या करने के लिए एक गुणांक दिया जिसको कहते आरएनएस व्यंजक के रूप में ताप, एक वेग व्यंजक के रूप में ताप के प्रभाव की व्याख्या की थी। इसके लिए पहले इसने कुछ बातें बताई, वो कुछ की कुछ धारणाएं थी, वो आरएनएस सिद्धांत कहलाता है। वो धारणा क्या है, वो पहले मुख्य बातें समझना। पहली बात इस आरएनएस ने कही कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के जितने अणु हैं सभी अभिकारक से उत्पाद नहीं बनता है, केवल सक्रिय अणु जो है वो उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। केवल सक्रिय अणु, एक्टिव मॉलिक्यूल जो है वो ही उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। तो आरएनएस सिद्धांत के अंदर आरएनएस ने पहली बात क्या बताई कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के सभी अणु उत्पाद में परिवर्तित नहीं होते हैं, केवल अभिकारक के सक्रिय अणु ही उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। फिर दूसरी बात, अब सक्रिय अणु का मतलब क्या है, अभी सक्रिय अणु का मतलब अभिकारक के वे अणु जिनके पास में कुछ अतिरिक्त ऊर्जा है, जिन अभिकारक के पास में कुछ अतिरिक्त ऊर्जा जिसको कहते हैं सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी ईए, जिन अभिकारक के अणुओं के पास में कुछ अतिरिक्त ऊर्जा है वो ही अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। सक्रियण ऊर्जा का मतलब होता है अभिकारक के अणुओं के पास वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक है, मतलब अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। अब उसके बाद सक्रियण ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है, तो तीसरी बात इसने कही कि अभिकारक के अणुओं में आपस में प्रभावी टक्कर होती है, अभिकारक के अणुओं में आपस में प्रभावी संघट होती है, तो प्रभावी टक्कर के कारण उनमें एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, वो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो सक्रियण ऊर्जा है। तो जिसे पहले अपन ने टक्कर सिद्धांत में भी देखा था कि किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक जिनके पास में सक्रियण या दहली ऊर्जा या उससे अधिक ऊर्जा है वो ही अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। उसके बाद इसने कहा कि अभिक्रिया का वेग जो है सक्रिय अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है, सक्रिय अणुओं की सांद्रता अधिक है तो अभिक्रिया का वेग अधिक होता है। उसके अलावा प्रभावी टक्कर जितनी बढ़ती जाएगी उतना अभिक्रिया का वेग है वो बढ़ता जाएगा। उसके अलावा इसने कहा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के अणु जो आपस में टक्कर दौरे और प्रभावी संघट करके उत्पाद बन रहे तो उत्पाद बनने से पहले एक मध्यवर्ती अस्थायी संक्रमण अवस्था बनती है। जैसे इसको एक ग्राफ से समझना, ऊर्जा और अभिक्रिया की गति, ऊर्जा और अभिक्रिया की प्रगति के बीच में, अभिक्रिया की प्रगति के बीच में, ये सक्रिय ऊर्जा और अभिक्रिया वेग को ही समझाता है। अब मान लो जैसे अभिक्रिया है ए बी प्लस सी डी, इससे उत्पाद बनता है एसी प्लस बीडी, तो उत्पाद बनने से पहले एक मध्यवर्ती अस्थायी संक्रमण अवस्था बनती है ए डॉट डॉट बी सी डॉट डॉट डी, ए और बी के बीच में बंद अभी टूटा नहीं है, ए बी सी डी के बीच में और एसी और बीडी के बीच में बंद अभी बना नहीं है, ये अस्थायी अवस्था कहलाती है संक्रमण अवस्था। ये बननी आवश्यक है, जो अभिकारक उत्पाद में बनने से पहले एक अस्थायी संक्रमण अवस्था को प्राप्त करते हैं वे ही उत्पाद में परिवर्तित होते हैं और इसी को एनर्जी बैरियर कहा जाता है, ऊर्जा अवरोध। जैसे ये अभिकारक है ए बी प्लस सी डी, अब यहां से ये इस ऊर्जा अवरोध को पार कर यहां उत्पाद में बदल जाते हैं, ये यहां पर उत्पाद ए सी प्लस बी डी बन जाता है, ए सी प्लस बी डी। तो अभिकारक से उत्पाद में बनने से पहले यहां पर यह मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था आएगी ए डॉट 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 बी सी डॉट डॉट डी,
इसको कहते हैं संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट या ऊर्जा अवरोध। अब यहां पर जो अभिकारक है, यहां से संक्रमण अवस्था के बीच की ये जो दूरी है, ये इसको सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी ये। और ये जो है अभिकारक के सामान्य अणुओं की ऊर्जा है ई आर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और सक्रियण ऊर्जा और अभिकारक के सामान्य अणु ऊर्जा को शामिल करे तो ये जो पूरी है ये दूरी, इसको कहा जाता है ई टी। ई टी का मतलब है दहली ऊर्जा, दहली ऊर्जा। और किसी अभिक्रिया के अंदर सक्रियण ऊर्जा जितनी कम होगी अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होगा। ये इसके आगे महत्व में भी देखेंगे कि अभिक्रिया का वेग सक्रियण ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये अभिकारक से उत्पाद बनने से पहले एक मध्यवर्ती अवस्था बनती है, इसको कहते हैं संक्रमण अवस्था। तो पहले ये संक्रमण अवस्था बनेगी अस्थायी, फिर उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। जो अभिकारक इस मध्यवर्ती अस्थायी संक्रमण अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं या इस ऊर्जा अवरोध को पार कर लेते हैं, वे अभिकारक ही उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। तो यहां पर ये जो दूरी है ये सक्रियण ऊर्जा कहलाती है, कि अभिकारक के अणुओं के पास वह आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए आवश्यक है, इसको कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। और ये है अभिकारक के सामान्य अणुओं की ऊर्जा, और सक्रियण ऊर्जा में अभिकारक के सामान्य अणुओं की ऊर्जा को शामिल करे तो ये दहली ऊर्जा कहलाती है। कहने का मतलब, ये टक्कर सिद्धांत में भी अपन ने देखा था कि किसी भी अभिकारक के अणु जो आपस में प्रभावी टक्कर करते हैं उपयुक्त विन्यास में, तो प्रभावी टक्कर के कारण उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और उनके पास में सक्रियण या दहली ऊर्जा के समान या इससे अधिक ऊर्जा है तो वे ही अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होंगे। अन्यथा सक्रिय या दहली ऊर्जा से कम ऊर्जा जिनके पास में है वे अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब ई ए और ई आर सक्रियण ऊर्जा और अभिकारक के सामान्य अणुओं की ऊर्जा को जोड़े तो ये ई टी होता है, दहली ऊर्जा। थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और इसमें से ई ए बराबर चाहिए, मतलब ई टी में से ई आर को निकाल दो, दहली ऊर्जा में से अभिकारक के सामान्य अणुओं की ऊर्जा को बाहर निकालो तो वो उस अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा बच जाए। तो ये सिद्धांत कहलाता है आरेनियस सिद्धांत, जिसमें इस धारणाओं के आधार पर आरेनियस ने अभिक्रिया के वेग व्यंजक, ताप और सक्रियण ऊर्जा के बीच में एक संबंध दिया, उसको कहते हैं आरेनियस समीकरण। उसको कहते हैं आरेनियस समीकरण। ये समीकरण इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आरेनियस समीकरण क्या है, के बराबर एक्सपोनेंशियल ए ए पूर्वचर घातांक ए डॉट एक्सपोनेंशियल ई की पावर माइनस ई ए बटा आर टी, इसको कहते हैं आरेनियस समीकरण। के बराबर ए डॉट ई की पावर माइनस ई ए बटा आर टी, जहां पर के है अभिक्रिया का वेग व्यंजक, ए जो है ये छर से पहले है, इसको कहते हैं पूर्व छर घातांक, या इसको कहते हैं आवृत्ति गुणांक, या इसको कहते हैं आरेनियस गुणांक। और ई ए का मतलब है सक्रियण ऊर्जा, जिसको जूल पर मोल में व्यक्त करते हैं। आर है वो गैस स्थिरांक है, जिसका मान 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होता है। और टी है वो ताप है, जो परम ताप केल्विन में लेते हैं, इसको कहते हैं आरेनियस समीकरण। ये अपन ने इससे पहले अभिक्रिया वेग पर ताप के प्रभाव को जो पढ़ा था, जिसमें मैक्सवेल बोल्ट्जमान का जो ऊर्जा वितरण वक्र पड़ा था, उसमें भी इसको डिस्कस किया था कि टी डिग्री सेल्सियस में सक्रियण ऊर्जा प्राप्त कर अभिकारक जितना भाग घेरते हैं और 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर उसका लगभग दुगुना हो जाता है, तो जो घेरा गया क्षेत्र है वो अभिक्रिया का जो वेग है उसके समानुपाती होता है ई की पावर माइनस ई ए बटा आर टी। और वेग जो है वो वेग व्यंजक के समानुपाती होता है,
तो वेग व्यंजक के समानुपाती e की पावर माइनस ए अपॉन आर टी, और इस समानुपाती को हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है a, जिसको कहते हैं पूर्व चर गुणांक, पूर्व चर घातांक या आवर्ती गुणांक या आरेनियस गुणांक। और ए है सक्रिय ऊर्जा, आर का मतलब है गैस स्थिरांक, टी का मतलब है परम ताप। इस समीकरण को कहते हैं आरेनियस समीकरण, ये आरेनियस समीकरण याद रखना। तो ये सिद्धांत कहलाता है आरेनियस सिद्धांत। वापिस समझना, आरेनियस सिद्धांत में अभिक्रिया वेग पर ताप के प्रभाव की व्याख्या करने के लिए आरेनियस ने वेग व्यंजक के रूप में इसकी व्याख्या की। अपने सिद्धांत में इसने कुछ बातें बताई, वो बातें कौन कौन सी थी। पहली बात इस आरेनियस ने कही कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के सभी अणु उत्पाद में परिवर्तित नहीं होते हैं, केवल सक्रिय अणु एक्टिव मॉलिक्यूल ही उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। फिर दूसरी बात इसने बताई, वे अभिकारक के अणु जिनके पास में अतिरिक्त ऊर्जा है जो उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक है, उस ऊर्जा को कहते हैं सक्रिय ऊर्जा। फिर उसके बाद इसने कहा कि अभिकारक के अणुओं में आपस में प्रभावी टक्कर होती है, इफेक्टिव कॉलिजन होती है, तो सक्रिय ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिर इसने कहा कि अभिक्रिया का वेग सक्रिय अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है, और प्रभावी टक्कर जैसे जैसे बढ़ती जाती है, प्रभावी टक्कर बढ़ने के साथ साथ अभिकारक के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। और उसके अलावा इसने कहा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद बनने से पहले एक अस्थायी संक्रमण अवस्था बनती है, जिसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट या एनर्जी बैरियर, ऊर्जा अवरोध। जो अभिकारक इस संक्रमण अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, वो इस ऊर्जा अवरोध को पार कर लेते हैं, वो ही उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। फिर इसके इस धारणा के आधार पर इसने समीकरण दिया, जो अभिक्रिया के वेग व्यंजक और ताप के बीच या सक्रिय ऊर्जा के बीच में संबंध है, के बराबर ए डॉट एक्सपोनेंशियल e की पावर माइनस ए बटा आर टी। इस समीकरण को कहते हैं आरेनियस समीकरण। और इसने अभी किए आरेनियस सिद्धांत के आधार पर सक्रिय ऊर्जा और अभिक्रिया वेग में क्या है, तो जैसे ये अभिकारक उत्पाद में बदलने से पहले एक अस्थायी अवस्था को प्राप्त करता है, तो ये जो है अभिकारक से ऊर्जा अवरोध या संक्रमण अवस्था के बीच में ये जो ऊर्जा, इसको कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। और ये है अभिकारक के सामान्य अणुओं की ऊर्जा, और इन दोनों को शामिल करें तो ये कहलाती है दहली ऊर्जा। तो अभिकारक के अणुओं के पास में सक्रियण या दहली ऊर्जा के समान या इससे अधिक ऊर्जा जिनके पास में है, वो ही अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होते हैं, अन्यथा अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित नहीं होते हैं। अब उसके बाद में सक्रिय ऊर्जा का महत्व देखते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी का महत्व क्या है, और सक्रिय ऊर्जा की गणना करते हैं ग्राफीय विधि और गणितीय विधि से। अब देखना सक्रिय ऊर्जा के महत्व क्या है, सक्रिय ऊर्जा के दो महत्व बताता हूं। पहला महत्व है सक्रिय ऊर्जा का, सक्रिय ऊर्जा का महत्व। अब सक्रिय ऊर्जा का पहला महत्व कि अभिक्रिया का जो वेग है वो सक्रिय ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब यदि किसी अभिक्रिया में सक्रिय ऊर्जा कम है तो उस अभिक्रिया का वेग अधिक होगा, और यदि किसी अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा ज्यादा है तो उस अभिक्रिया का वेग है वो कम होगा। तो उत्प्रेरक में भी अपन ने यही पढ़ा था कि उत्प्रेरक क्या करता है, किसी अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा को कम करता है, और सक्रिय ऊर्जा को कम करेगा मतलब अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देगा। दूसरा इसका महत्व है कि सक्रिय ऊर्जा द्वारा अपन यह पता लगा सकते हैं कि अभिक्रिया उष्मा क्षेपी है या उष्मा शोषी है। जैसे सक्रिय ऊर्जा में परिवर्तन डेल ई ए बराबर ई ए वन माइनस ई ए टू, अग्र अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा में से पक्ष अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा को निकालो, वो डेल ई सक्रिय ऊर्जा आ जाएगी। जैसे मैं दो ग्राफ बनाता हूं, यहां पर ऊर्जा और अभिक्रिया के वेग निर्देशांक, अभिक्रिया निर्देशांक के बीच में अभिक्रिया प्रगति या अभिक्रिया निर्देशांक,
अब इसमें समझना, यहां पर अभी कारक है और ये रिएक्टेंट इस ऊर्जा अवरोध को पार करके यहां उत्पाद बनाता है। अब इसमें ये एनर्जी और अभिक्रिया की प्रकृति के बीच में यहां पर अभी कारक है और ये ऊर्जा अवरोध को पार करके यहां उत्पाद बना रहा है। यहां पर उत्पाद अभिकारक से नीचे है, यहां पर उत्पाद अभिकारक से ऊपर है, तो ये जो दूरी है ये तो है EA1 और ये है EA2। इसी प्रकार यहां पर है, ये है EA1 और ये है EA2। अब ऐसी स्थिति है जिसमें EA2 ज्यादा है EA1 से, EA2 ग्रेटर देन EA1, कि ये जो है पक्ष अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा अग्र अभिक्रिया से ज्यादा है, EA2 ज्यादा है EA1 से, इसका मतलब ये ज्यादा है इससे, इसका मतलब ये है वो नेगेटिव आएगा, डेल EA बराबर नेगेटिव, और डेल EA नेगेटिव है ये वाला मान, ये डेल EA बराबर नेगेटिव, इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यदि EA2 ज्यादा है EA1 से, पक्ष अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा अग्र अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा से ज्यादा है तो डेल EA है वो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव है डेल E या डेल H भी कह सकते हैं, इसका मतलब ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब इसमें देखते हैं EA1 ज्यादा है EA2 से, EA1 ज्यादा है EA2 से, ये वाला मान इससे ज्यादा, इसका मतलब ये पॉजिटिव आएगा, डेल E बराबर पॉजिटिव आएगा, ये वाला उत्पाद अभिकारक से पहले प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब डेल E जो है ये पॉजिटिव आएगा, इसका पॉजिटिव है तो अपन कह सकते हैं कि ये उष्मा शोषी अभिक्रिया होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी ये एंडोथर्मिक, तो कहने का मतलब सक्रिय ऊर्जा द्वारा उष्माक्षेपी उष्मा शोषी अभिक्रिया का पता लगा सकते हैं। यदि किसी अभिक्रिया में EA2 EA1 से ज्यादा है तो डेल E नेगेटिव आएगा और उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी, और यदि EA1 ज्यादा है EA2 से तो डेल E जो है वो पॉजिटिव आएगा, तो अपन कह सकते हैं कि ये उष्मा शोषी अभिक्रिया होगी, और जहां नेगेटिव आ रहा है तो ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। अब उसके बाद में सक्रिय ऊर्जा की गणना करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। अब सक्रिय ऊर्जा की गणना करने की अपन को दो विधि पढ़ते हैं, एक तो है ग्राफीय विधि और दूसरी है गणितीय विधि, और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा केमिकल काइनेटिक्स। अब इसको मैं दोनों को एक साथ ही समझाता हूं, इधर ग्राफीय विधि और एक तरफ कैलकुलेशन मेथड ले लेते हैं। अब सक्रिय ऊर्जा की गणना करते हैं पहले ग्राफीय विधि से, ग्राफीय विधि से कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी बाय ग्राफिकल मेथड, और यहां पर गणितीय विधि से, यहां पर गणितीय विधि से, यहां पर कैलकुलेशन मेथड से। अब समझना, ग्राफीय विधि से पहले अपन सक्रिय ऊर्जा की गणना करते हैं, तो सबसे पहले आरेनियस समीकरण से, आरेनियस समीकरण से, अब आरेनियस समीकरण क्या है, के बराबर ए डॉट ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी, समीकरण नंबर जैसे एक। अब इस समीकरण का लॉग लेते हैं, पहले नेचुरल लॉग लो, तो नेचुरल लॉग के बराबर नेचुरल लॉग ए, और जैसे अपन लॉग लेंगे तो ये ई लॉग का बेस है, ये घात वाली संख्या नीचे आ जाएगी, माइनस ई ए बटा आर टी, ये घात वाली संख्या नीचे आ गई क्योंकि लॉग का बेस है वो ई होता है। अब ln नेचुरल लॉग को
10 के बेस में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से गुणा करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2.303 लॉग के, अब ln की जगह log लिखेंगे, लॉग के बराबर 2.303 लॉग ए माइनस ई ए बटा आर टी। अब यहां से 2.303 को हटा दे तो इसके नीचे भी लेंगे और ये इसके नीचे भी आएगा, यहां पर तो 2.303 से कट जाएगा तो क्या बचेगा, लॉग के बराबर लॉग ए माइनस ई ए बटा 2.303 आर टी। समीकरण नंबर इसको दो दे दो, ये समीकरण नंबर जैसे 3, ये समीकरण नंबर 4, ये समीकरण याद रखना, इससे अपन ग्राफ बनाएंगे। ये ग्राफीय विधि से सकृण ऊर्जा की गणना है कि लॉग के बराबर लॉग ए माइनस ई ए बटा 2.303 आर टी। अब क्या करें, इसमें लॉग के और 1/t के बीच में ग्राफ बनाए, ग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर ग्राफ में से ढाल प्रवणता पूछा गया है एग्जाम में, तो लॉग के और 1/t के बीच में अपन ग्राफ बनाए तो सीधी रेखा प्राप्त होगी, लेकिन नेगेटिव साइन आ रहा है तो ढाल है वो घट जाएगा, कम होगा ये। अब इसमें ये जो है वो अंतःखंड कहलाता है, अंतःखंड इंटरसेप्ट जो लॉग ए के इक्वल होगा, और यहां पर इसका ढाल निकाले टेन थीटा स्लोप, ढाल टेन थीटा बराबर क्या होगा, ढाल को प्रवणता भी कहते हैं, ध्यान रखना प्रवणता लिखा हुआ आ जाए, इसका मतलब ढाल ही पूछा है, और ये इक्वल होगा इसके माइनस ई ए बटा 2.303 आर के माइनस ई ए बटा 2.303 आर के। तो ये लॉग के और 1/t के बीच में अपन ग्राफ बनाए तो ये सीधी रेखा प्राप्त होती है वही वाई बराबर एम एक्स प्लस सी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर ये लॉग ए अंतःखंड हो जाएगा और ये इसका ढाल आ जाएगा स्लोप, ढाल बराबर ये हो जाएगा ढाल टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस ई ए बटा 2.303 आर। तो ई ए बराबर क्या हो जाएगा, ई ए बराबर ये उधर लिख चला जाएगा ढाल इंटू 2.303 आर, यहाँ पर जो टेन थीटा आएगा ढाल स्लोप और 2.303 इंटू आर गैस स्थिरांक 8.314, तो ये सकृण ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। ये कहलाता है ग्राफिकल मेथड, ग्राफीय विधि से सकृण ऊर्जा की गणना। अब करते हैं अपन गणितीय विधि से, वही समझना कि यदि T1 ताप पर वेग व्यंजक K1 है और T2 ताप पर वेग व्यंजक जैसे K2 है, तो सबसे पहले जैसे T1 ताप पर क्या लिखेंगे, log K1 बराबर log A माइनस EA बटा 2.303 RT1, जैसे समीकरण नंबर 1 दे दो। तो T2 ताप पर वेग व्यंजक K2 है तो इसको क्या लिखेंगे, log K2 बराबर log A माइनस EA बटा 2.303 RT2, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में से एक को घटाओ तो समीकरण 2 में से एक को घटाओगे तो क्या होगा, log K2 माइनस log K1 बराबर, इसमें से इसको घटाना है तो एक बार पूरा लिख दो, log A माइनस ई ए बटा 2.303 आर टी टू, फिर क्या हो जाएगा माइनस ये वाला log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी वन। अब इसको कोष्टक को खोल लो, log A माइनस log B इसको लिख सकते हैं, log A बटा B log K2 बटा K1, यहाँ पर क्या हो जाएगा log A माइनस EA बटा 2.303 RT2 माइनस log A बार माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा EA अपॉन 2.303 RT1
माइनस लॉग ए प्लस लॉग ए कैंसिल हो जाएगा, तो लॉग के टू बट्टा के वन बराबर, अब इसमें से जो सेम है उसको कॉमन ले लो, ईए और ईए 2.303 R, तो इसको बाहर ले लो, ई ए बटा 2.303 R। अब अंदर क्या बच जाएगा, पहले प्लस वाला लिख दो, एक बटा टी वन, वन अपॉन टी वन माइनस वन अपॉन टी टू, ये, या अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग के टू बटा के वन बराबर ई ए बटा 2.303 R, और ये हो जाएगा टी टू माइनस टी वन बटा टी वन टी टू। ये समीकरण नंबर जैसे तीन दे दो, ये सक्रियण ऊर्जा की जो गणना है ये गणितीय विधि से कहलाती है, कैलकुलेशन मेथड से सक्रियण ऊर्जा की गणना। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन कई बार पूछते हैं, ध्यान रखना, वेग व्यंजक दिया हुआ होता है, ताप दे देंगे कि इतना डिग्री सेल्सियस से इतना हो जाता है, तो उसके अंदर सक्रियण ऊर्जा की गणना करो, तो ये सक्रियण ऊर्जा की गणना थी, आरण्यक सिद्धांत और सक्रियण ऊर्जा की गणना, जिसमें आरण्यक सिद्धांत क्या था, उसकी धारणाएं क्या थी, आरण्यक समीकरण, और इसके अंदर वो ऊर्जा अभिक्रिया के वेग के बीच में ग्राफ के बाद में सक्रियण ऊर्जा की गणना। तो सक्रियण ऊर्जा की गणना की दो विधियां अपन पढ़ रहे हैं, एक तो है ग्राफीय विधि, दूसरी है गणितीय विधि, कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी बाय ग्राफिकल मेथड, और ये मैथमेटिकल मेथड से। तो सबसे पहले ग्राफीय विधि में ये इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ सहित एग्जाम में पूछा जाता है, तो सबसे पहले आपको आरण्यक समीकरण लिखनी है, कि हम जानते हैं कि आरण्यक इक्वेशन से k बराबर a डॉट e की पावर माइनस ea अपॉन rt, और इस आरण्यक समीकरण के दोनों साइड में लॉग लो। अब लॉग लेने पर पहले अपन नेचुरल लॉग लेते हैं, प्राकृतिक लघुगणक, तो लॉग k बराबर लॉग a, और जैसे ही लॉग लेंगे ये घात वाली संख्या नीचे आ जाएगी, ea अपॉन rt, फिर इसको अपन log में चेंज करते हैं, तो 2.303 से गुणा करते हैं, तो 2.303 log k, यहाँ 2.303 log a, और ये सेम। अब यहाँ से इसको हटाना है तो ये इसके नीचे भी आएगा और ये इसके नीचे भी आएगा, तो ये 2.303 से 2.303 कैंसिल हो जाएगा, तो log k बराबर आएगा log a माइनस ea अपॉन 2.303 rt। अब इस समीकरण से अपन log k और 1 अपॉन t के बीच में ग्राफ बनाएं, तो y बराबर mx प्लस c के अकॉर्डिंग सीधी रेखा प्राप्त होती है। अब यहाँ था नेगेटिव चिन्ह आ रहा है, इसका मतलब ढाल जो है वो कम होता है, और इसका जो ढाल है tan थीटा, जिसको प्रवणता भी कहते हैं, वो किसके इक्वल होगा, माइनस ea बटा 2.303 r के। तो यहाँ पर ढाल tan थीटा बराबर हो जाएगा माइनस ea बटा 2.303 r। अपन को ea ज्ञात करना है तो उसको उधर ले जाओ, तो ea बराबर हो जाएगा माइनस 2.303 r इंटू ढाल, जो भी tan थीटा वैल्यू आती है। उसके बाद में गणितीय विधि, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। गणितीय विधि के अंदर माना किसी अभिक्रिया में T1 ताप पर वेग व्यंजक K1 है और T2 ताप पर वेग व्यंजक K2 हो जाता है, तो आरण्यक समीकरण से ही log K1 बराबर log A माइनस E अपॉन 2.303 r T1, और यहाँ K2 कर दो और T2 कर दो। इस समीकरण में से इसको घटाओ, ये समीकरण एक, ये समीकरण दो, समीकरण दो में से एक को घटाने पर तो log K2 माइनस log K1, इसमें से इसको घटाओ तो यहाँ पर ये माइनस log a प्लस log a कैंसिल हो जाएगा, ये अपॉन 2.303 r कॉमन है, बाहर आ जाएगा और ये फॉर्मूला बच जाएगा। तो ये जो है रासायनिक बल गति की केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन डी और एफ ब्लॉक को शुरू करेंगे। थैंक यू।